नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। दरअसल इरफान अंसारी के बोल जो है वो अक्सर बिगड़े नजर आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब वो मंत्री बने उसके बाद भी उनके बोल बिगड़े, वहीं मंत्री बनने से पहले भी उनके बोल कई बार बिगड़े, कई बार अपने पार्टी के नेताओं के लिए बोल बिगड़े। लेकिन इस बार जो उनका बयान सामने आ रहा है, वो बयान झारखंड की राजनीति में कितना स्वीकारनीय है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बयान जो वो लगातार हेमंत सोरेन के परिवार के लोगों के लिए दे रहे हैं, भले ही राजनीतिक तौर पर सीता सोरेन जो है वो अभी हेमंत सोरेन से अलग है, लेकिन जो उनकी परवरिश है, जो उनका खून है, वो हेमंत सोरेन के परिवार से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि इससे पहले उन्होंने रिजेक्टेड माल करके सीता सोरेन को बोला तो जरूर था, हालांकि उनकी मनसा ये थी, जिसे उन्होंने स्पष्ट किया था कि रिजेक्टेड माल कहने का मतलब यही था कि जनता ने उन्हें अस्वीकार किया है। लेकिन शब्दों का एक बहुत बड़ा जाल होता है, जिसका पालन हर व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर आपने रिजेक्टेड माल कहा है तो इसका मीनिंग ही कुछ और हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर ये कहा होता कि जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपको हार दिलाई है, तो इसके मीनिंग और इसके मायने अलग होते। तो शब्दों के साथ नेता जो तालमेल करके खेल रहे हैं झारखंड की चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है महिलाओं के सम्मान को लेकर के। हम इस खबर को इसलिए प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो होती हैं उनका सम्मान हर किसी को करना चाहिए। जब दुर्गा पूजा का वक्त होता है तो नौ कन्या के तौर पर यही महिलाओं को पूजा जाता है, और जब इनके ऊपर बयानबाजी की जाती है तो उस वक्त बोलने और उनका समर्थन देने के लिए लोग सामने नहीं आते हैं। हालांकि सीता सोरेन के लिए तो उन्होंने कहा ही, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है सीता सोरेन की बेटियों को लेकर के भी उन्होंने अपनी ओर से कुछ बयानबाजी की है, जिसके बाद से अब राजनीति चरम पर है। वहीं सीता सोरेन की बेटियों ने इसको लेकर के थाने में मामला भी दर्ज कराया है। पूरा मामला हम अपने सहयोगी रत्नेश से जानेंगे, लेकिन उससे पहले सीता सोरेन की बेटियों ने जो मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखा है, सबसे पहले वो बयान हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। फिलहाल में ही डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने हमारे लिए, मेरी माँ के लिए टिप्पणी की थी, कहा था उनको रिजेक्टेड माल, और माल शब्द जो उन्होंने यूज किया है वो महिलाओं के लिए बहुत ही खराब शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग करके कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। और अगर इसको बोल करके वो सोच रहे हैं कि फ्लो में निकल गया या जो भी निकल गया, फ्लो में अगर किसी की माँ को माल, अच्छा माल या बुरा माल ऐसे शब्द बोल करके भी यूज करे तो वो बहुत ही खराब लगता है। और वो एक मंत्री है और ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हमारी माँ के लिए, हम तो इसके लिए आवाज उठाएंगे ही। और उसके बाद भी सोशल मीडिया में एक वीडियो आया जहां उन्होंने बोला कि उनकी दो बेटी है जिन्होंने किसी रवि महतो के बेटे को फंसाया है, 19 वर्ष के हैं वो। तो कौन है ये बेटा, कौन है रवि महतो, क्या फंसाया है? रविंद्र महतो जो भी हैं, क्या फंसाया है क्लियरली बताइए, क्योंकि जो उन्होंने बोला है उसके वजह से हमारे परिवार महतो कौन है? की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी औरत के ऊपर, चाहे वो किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, वो ऐसे लांछन नहीं लगा सकते। वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर एक लांछन उठा रहे, एक उंगली उठा रहे, जो बेसलेस है। तो अगर आप एक बेसलेस पॉइंट मीडिया के सामने रखते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर असैसिनेशन हुआ। ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस लिए। और हम चाहते हैं कि वो मीडिया में आए, मीडिया ही नहीं बल्कि अब हमने इसके थाने में इसका रिपोर्ट भी लिखा है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और क्लियर करे कि क्या, किसको फंसाया, हमने क्या फंसाया। क्योंकि रविन्द्रनाथ महतो जी के बेटे से तो हम में से किसी ने मुलाकात भी नहीं की, और ना ही रविन्द्रनाथ महतो जी से खुद हमने कभी किसी भी तरीके की बातचीत भी की है। तो वो किस आधार पर ये बोल रहे हैं, वो उनको सामने आना चाहिए और उनको सामने आके बताना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा देखा वैसा देखा, इस आधार पे बोल रहे हैं। क्योंकि वो किसी भी आधार पे ऊपर आकर के मीडिया में ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ उसकी बेटी है दो, उसने फंसाया है। आप बताइए, क्या ये किसी भी एंगल से सही लगता है आपको? किसी भी व्यक्ति की बेटी को अगर कोई ऐसे बोलेगा तो वो शांति से बैठे रहे? बताइए, वो क्लियरली बताइए मामला क्या है, जब ऐसी पर्सनल टिप्पणी आप दे सकते हैं। यहाँ आप एक विधायक है, एक मंत्री है, आप अभी विधानसभा चुनाव में खड़े उतर रहे हैं, और आपके सामने जो कैंडिडेट है आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, उनकी बेटियों पर जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये किस बात से एक शोभा देता है आपको?
मैंने ट्विटर पे भी ये चीज डाली थी और कहा था कि अगर रविंद्रनाथ महतो जी के बेटे या उनसे खुद हमने मेरी या मेरी बहनों ने से खुद कभी भी बातचीत की है तो वो आगे आकर इस बात की पुष्टि करें अगर बात किया नहीं की और किसी भी तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है अब तक। ये दोनों मामला किन के विरुद्ध जा रहा है? ऑफकोर्स जिन्होंने ये घटिया बातें की है डॉक्टर इरफान अंसारी जी उनके विरुद्ध जा रहा है और जाना भी चाहिए, उन्होंने ऐसी बातें ही की हैं। तो सीता सोर इनकी बेटियों को आपने सुना जिन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखा है। हालांकि ये पूरा मामला क्या है वो हम अपने सहयोगी रत्नेश से जानते हैं। रत्नेश, पूरा मामला क्या है, आखिर क्या वजह आन पड़ी कि बेटियों को जो है वो थाने में FIR दर्ज कराना पड़ा और क्या कहा है इरफान अंसारी ने बेटियों को लेकर? देखिये रेखा, झारखंड की राजनीति जो है इतनी गिर गई है कि उसको हम बता नहीं सकते अपने दर्शकों को अपने मुंह से। पहले तो डॉक्टर इरफान अंसारी जो इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री है और जामताड़ा से विधायक भी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। जामताड़ा से सीता सोरेन को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया तो पहले तो जब वो इरफान अंसारी नामांकन करने गए, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सीता सोरेन से सामना कितना चुनौती मानते, तो वो कहे कि रिजेक्टेड माल है, उसके लिए भाजपा जो हमलावर हुई। बाद में इरफान अंसारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहे कि हम अपनी भाभी हो मेरी, हम ऐसा नहीं बोलते, अगर मेरे बात से वो आहत हुई है तो हम माफी चाहते हैं। उसके बाद भाजपा चली, चुनाव आयोग गई, वो मामला जो है काफी नरम हो गया। लेकिन नरम होते के साथ ही इरफान अंसारी को फिर सुर्खियों में आना था। सुर्खियों में आना इसलिए था क्योंकि वहाँ चुनावी मौसम है, झारखंड में चल रहा है, उनको चुनाव जीतना है क्योंकि भाई नेताजी हैं, बड़े पद में उनको चाहिए, ऐसा तो रह नहीं सकते हैं, पूर्व विधायक, चुनाव जीतना है, जनता का सिंपैथी चाहिए। तब उन्होंने क्या किया कि एक बयान दिया है, कहा है कि झारखंड के जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, वो हमको पहले ही संचेत किए थे कि आप जो है सीता सोरेन और उनके परिवार से बच के रहिए। तो परिवार में तो जाहिर सा बात है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आते हैं, कल्पना सोरेन भी आती, बसंत सोरेन भी आते हैं, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लेके वो सीधे तौर पर ये कहे हैं सीता सोरेन की जो दो बेटी है जयश्री और राजश्री, वो रविंद्रनाथ महतो के बेटे जो 19 साल के बेटे हैं उनके साथ वो कुछ गलत किए हैं और वो फंसा चुकी है। हालांकि इसके तरफ से स्पीकर साहब से कोई बयान नहीं आया है। और इरफान अंसारी भी देखिए इतने सातिर और इतने चालाक हैं, नेताजी हैं तो सातिर तो होंगे ही होंगे, कि वो नाम नहीं लिए लेकिन इशारों इशारा में तो बेटी दो किसकी है, सीता सोरेन की दो बेटी है उनके बारे में बोले हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीति से हट के भाजपा तो चलिए उसमें हमला करेगी ही, चुनाव आयोग भी जाएगी उनकी वहां से रद्द नामांकन कराने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहू है, दुर्गा सोरेन की वाइफ है, उसके बाद मुख्यमंत्री हो या फिर कल्पना सोरेन हो या फिर बसंत सोरेन हो, अभी भी एक वर्ड जो है माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी को नहीं बोले, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता चाहिए, मुख्यमंत्री पद चाहिए। अगर मुख्यमंत्री पद उनको चाहिए तो इरफान अंसारी को सपोर्ट करना होगा, इरफान अंसारी को जिताना होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने घर की बहन बेटी को या फिर किसी को भी अब इज्जत नीलाम कर देंगे। चलिए आप राज्य की बेटी का अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम अपने घर की बेटी को तो सुरक्षा दीजिए, वो नहीं दिए, वो भी चलिए वहां तक भी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, आदि आबादी आदि इंदिरा गांधी की जो पोती है प्रियंका गांधी, वो भी कहती है महिलाओं को हक अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं का सम्मान की बात, तो आपके ही पार्टी के झारखंड के कांग्रेस के विधायक हैं, पहले सीता सोरेन को पे हमला करते हैं, वो भी हमला नहीं, ऐसा वैसा हमला नहीं, राजनीति में चलिए हमला आरोप प्रत्यारोप होता है, एक दूसरे को लोग बोलते हैं कोसते हैं अपने के लिए कि लोग हमको कैसे वाहवाही करें कैसे हमको वोट दे, लेकिन राजनीति झारखंड की राजनीति और इरफान अंसारी इतने गिर गए हैं कि किसी की माँ बहन को अब वो नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं कि उसकी बेटी जो है स्पीकर साहब के बेटे को फंसाई है गलत केस में, हमको सचेत रहने पहले। झारखंड की राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी कितना सही है रत्नेश, क्योंकि जनता सब देख रही है और इस ओछी राजनीति को कर करके अगर आप जनता के बीच जाना चाहते हैं वोट मांगने के लिए और कहते हैं कि हम बेटियों और बहनों का सम्मान करेंगे, सम्मान नजर नहीं आ रहा है अगर इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है तो। देखिए एक तरफ झारखंड सरकार की हम पहले बात करते हैं फिर इरफान अंसारी के बारे में बताएं। झारखंड सरकार एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करती है और महिला सम्मान योजना भी लेकर आई, हालांकि चुनाव से ठीक पहले लाई, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं का सम्मान की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो वैसे महिला है जिसको सही में पैसा की जरूरत है, जो एकदम नीड फैमिली से आते हैं, जिसके हस्बैंड आज भी पी के कहीं गिरे हुए रहते हैं या घर में अपनी वाइफ को मारते हैं बेटी को मारते हैं, वैसे के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार सोची, 1,000 रुपए दी दिसंबर से, कहें कि हम 2,500 रुपए देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे करीबी है,
अपने आप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान बताते हैं, वो जो है झारखंड की महिलाओं का तो कर ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ साथ उनके घर की बेटी के साथ अब वो कर रहे हैं। तो ये झारखंड की राजनीति में झारखंड की जनता भी देख रही है किस तरह से झारखंड की राजनीति जो है इरफान अंसारी कर रहे हैं, दो वोट के लिए अपने जीत के सत्ता पाने के लिए किस तरह से इरफान अंसारी जो है वो अपना गिरते जा रहे हैं, अपने साथ साथ अपने पार्टी का भी जो वो नाम है वो बदनाम कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी तक, लेकिन इस पर एक एक्शन लेना चाहिए था, एक बार बोलना चाहिए था। कल्पना सोरेन जो महिलाओं की हक की बात करती है कि महिलाओं के साथ हेमंत दादा खड़े हैं, आपके बेटा हैं खड़े हैं, आपके भाई खड़े हैं, हर सभा में अपनी बोल रही है कि हेमंत दादा को फिर से आप बनाइए, आपका बेटा है आपका भाई है, तो आपके घर की आपकी गोतनी की बेटी मतलब आपकी भतीजी आपकी बेटी ही हुई, आपकी बेटी के साथ इरफान अंसारी आपके ही सहयोगी हैं, अंसारी अभी तक आपने एक बयान क्यों नहीं दिया? आप चुनाव प्रचार में व्यस्त है, इरफान अंसारी के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, उनके लिए आप वोट मांगने जा रहे हैं, वो आपके घर की बेटी का इज्जत नीलाम कर रहे हैं, तो जनता देखिए रेखा सब कुछ समझ रही है और जनता जो है इनको जवाब विधानसभा चुनाव में देगी, निश्चित तौर पर वहां की जनता जो है उनको हराएगी, क्योंकि इरफान अंसारी अब डर गए हैं। इरफान अंसारी जानते हैं कि सीता सोरेन से हम ऐसी गंदी राजनीति करके नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जनता जो है काम के साथ साथ आपकी बिहेवियर नेचर भी देखती है, आपका नेचर जो है बहुत खराब है, घटिया किस्म का माँ बहन पे आप गंदा नजर रखते हैं और आप चाहें कि हम काम करके वोट ले लें। रत्ने से फिर भी इरफान अंसारी की अगर हम बात करें तो उनकी खासियत यह है, हालांकि उनका बड़बोलापन है जिसकी वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वो अपने नेताओं को भी नहीं बख्शते हैं। आपको याद होगा कि बन्ना गुप्ता को लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें कही थी, बादल पत्रलेख लेख को लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें कही थी, और वो उन्हें मंत्री पद तब मिला है जब आलमगीर आलम जेल के अंदर गए हैं, यानी कि एक बहु मुस्लिम समुदाय से अगर उनके जाने के बाद कोई बचा था तो वो इरफान अंसारी थे, और इसी के इनाम स्वरूप उन्हें एक मंत्री पद भी मिला अल्पसंख्यक समुदाय से आने की वजह से। लेकिन इरफान अंसारी की खासियत ये भी है कि उनके बड़बोले अंदाज को अगर हम छोड़ दें, नजरअंदाज कर दें, तो वो जनता के बीच पहुंचते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तमाम कार्यक्रम में भी पहुंचते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी जो है वो जामताड़ा में जो काम करते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं करते, हिंदुओं के लिए भी करते हैं, मंदिरों का भी निर्माण करते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं और नारा भी लगाते हैं, जय सिया राम कहते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में जब योगी आदित्यनाथ आए थे, जनसभा किया था, तो उन्होंने कहा था कि कोई इरफान अंसारी जो है वो मंदिर नहीं बनाएगा, लेकिन जनता ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान को नजरअंदाज किया और उन्हें भारी मतों से विजयी भी उन्होंने कराया है। अभी का जो चुनाव है, ये चुनाव और इनका ये जो बयान है उसको लेकर के आने वाले दिनों में कितना असर डालेगा? देखिए रेखा, आपने बोला कि इरफान अंसारी काम किया है, बिल्कुल तौर पर उन्होंने काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, हर समुदाय के लिए उन्होंने काम किया, हर समुदाय का वो सम्मान भी करते हैं, लेकिन आप क्या ऐसा सम्मान का क्या फायदा जब आप माँ बहन का, जिसको भारत में देवी का रूप दिया गया है, देवी का रूप दिया गया और उस देवी का आप सम्मान नहीं कर रहे, तो ऐसा आप विकास करके क्या फायदा? विकास कीजिए, विकास करनी अच्छी बात है, विकास करना भी चाहिए, अब विकास अलग की आप करते हैं, विकास पुरुष आप जामताड़ा में है, ये चीज हम मानते हैं और जनता भी मानती है, लेकिन आप दूसरी तरफ महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, महिलाओं का इज्जत, अब देखिए जयश्री और राजश्री जो राजनीति में नहीं है, लेकिन हालांकि जयश्री जो है अपना नामांकन जामताड़ा से नामांकन पत्र खरीदी थी, लेकिन नामांकन वो नहीं की, तो वो राजनीति में नहीं है, तो उसको लेकर आप बोलना कहीं से भी जो है शोभा आपको नहीं देता है, महिलाओं की आप सम्मान नहीं कर रहे, तो आपकी जितनी भी अच्छी काम है वो तो बुराई में ही जाएगी, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, और इसका क्या आने वाले दिनों में दुष्परिणाम होता है वो भी वक्त ही तय करेगा। तो फिलहाल झारखंड की राजनीति में से सीता सोरेन की बेटियां और सीता सोरेन चर्चा का विषय बनी हुई है, चूंकि इरफान अंसारी ने उनको लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर के भाजपा कितने आक्रामक होती है और क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपनी बच्चियों के लिए कितना स्टैंड लेते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।